इशिता घर पे एक बार कर लेना रिकॉर्डिंग। अच्छा अब टॉपिक जो है इसमें तुम्हें बताना है, एक दो क्वेश्चन देना है, इसमें बताना है तुम्हें कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है। डिटेल में बाद में दूंगा, पहले इसमें ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे ये दिया CH3 CH CH CH3, एक ये, दूसरा CL CH 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 CL, तीसरा, थर्ड लेना है से, चलो इसको ले लेते हैं, एमी NO2 COH COH NO2, एक लिया, एन एमई ईटी और एच। तुम जानना इनमें से कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है। Recording.
हाँ कर लिया ट्राई, बोल यस सर। कर। सब पहला वाला तो होगा। बिल्कुल सही है, एलियंस में अगर एंड्स डिफरेंट है, एलियंस के अंदर विद इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स और एंड्स डिफरेंट है, ये मैंने बता रखा है, ये नॉन प्लेनर होता है, एंड्स डिफरेंट है तो शो करेगा ऑप्टिकलाइज में। नेक्स्ट वाला, दूसरा नहीं होगा दूसरा वाला कौन सी, कोई आइसोसेल शो करेगा कि नहीं? हाँ सर, जियोमेट्रिकल होगी। ये ऑप्टिकल शो करेगा, तो ये वर्टिकल शो करेगा। इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है और एंड्स डिफरेंट है तो ऑप्टिकलाइज में, और ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है और एंड्स डिफरेंट है तो ज्योमेट्रिकलाइज में। नेक्स्ट, हाँ सर इसमें हाँ ऑप्टिकल एक्यूरेट। ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा, ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें इसके अंदर ये वाली रिंग ऐसे है, ध्यान देना, ये वाली रिंग जो है ना ये ऐसे है, इस तरीके से, ये तुम्हारी तरफ है और जो पीछे वाला हिस्सा है वो ये है, ये डॉटेड, ये पीछे की तरफ है, हॉरिजॉन्टल रिंग है ये हॉरिजॉन्टल रिंग है। दोनों रिंग ये सेम प्लेन में नहीं रह सकती, क्यों? रिपल्शन होगी दोनों के अंदर, क्यों रिपल्शन होगी? क्योंकि यहाँ पे बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, ऑर्थो पोजिशन, ये बल्कि ग्रुप आपस में रिपेल करेंगे, तो एक रिंग स्ट्रेट होगी, एक रिंग वर्टिकल होगी, वर्टिकल जैसे दिख रहा तुम्हें, और एक रिंग हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, और एक रिंग क्या हो जाएगी? हॉरिजॉन्टल। क्लियर है कि नहीं? ये क्लियर है कि नहीं? यस सर। अरे और इस वजह से अब तुम प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं निकल पाओगे, ना सेंटर ऑफ एक सिमेट्री बार से। दोबारा बताना। देखो ये निष्ठा, इसको मैं वैसे समझाऊंगा क्लास के अंदर भी, ये ग्रुप जो है ना, ये वाले ऑर्थो पोजिशन पे, ये वाले ग्रुप जो चार ग्रुप्स हैं, इनमें रिपल्शन होती है। अगर दोनों बेंजीन बिल्कुल सीधी हैं, सीधी यानी आमने सामने बिल्कुल वर्टिकली खड़ी हुई है, तो रिपल्शन ज्यादा होगी कि नहीं? यस सर, इस वजह से इनमें रिपल्शन होती हैं, तो एक रिंग बैठ जाएगी, ऐसे सोचो, एक रिंग बैठ गई, ये हॉरिजॉन्टल में हो, ये हॉरिजॉन्टल हो गई, समझे कि नहीं? यस सर, हाँ और ये वर्टिकल रह जाएगी, ये वाली वर्टिकल रह जाएगी। ये बात ओके समझ आ गई? सर। मैं कल क्लास में बताऊंगा, नहीं तो एक बार नहीं समझा, कल क्लास में बताऊंगा इंपॉर्टेंट चीजें। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बाईफिनाइल्स हैं, अगर ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बाईफिनाइल्स हैं जिसमें दोनों रिंग पे ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, देखो ये ग्रुप COH है और NO2 दोनों डिफरेंट है ना, ये ऐसे ही ये दोनों भी डिफरेंट है, तो ये शो करेगा ऑप्टिकल आइसोमेरेज, और इसमें नाम दिया गया है एक एट्रोपी आइसोमेरेज। से ना एट्रोपी आइसोमेरेज, तो ये था ना। नेक्स्ट वाला कंपाउंड लास्ट जो दिया मैंने, ये इनएक्टिव है। हाँ ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है या सर नहीं है, लेकिन इसमें ये वो एक नहीं है। हाँ बताया था आपने कि इन्वर्जन होती रहती है तो उसको नहीं हाँ हाँ कहेंगे। इसीलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इसमें कायरल सेंटर है एन, बट इट इज, क्योंकि चारों एंड डिफरेंट है इसके, एक एम ई है, एक ई टी है, एक एच है, क्लोन पेयर है, चारों डिफरेंट है, लेकिन फिर भी ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि इसके अंदर होता है अम्ब्रेला इन्वर्जन या अमीन इन्वर्जन या पिरामिडल इन्वर्जन। ये एक टॉपिक, एक तरह से थोड़ा सा टॉपिक मैं बता रहा हूँ, अभी यही बता रहा हूँ तुम्हें, अभी अम्ब्रेला इन्वर्जन होगा इसके अंदर या पिरामिडल इन्वर्जन होगा या फिर अमीन इन्वर्जन। इसको फ्लक्सोनैलिटी भी कहते हैं, फ्लक्सोनियल बिहेवियर, फ्लक्सोनियल बिहेवियर भी कहते हैं इसको। तो ये होता कैसे है, जैसे ये ना, ये कंपाउंड जो है, ये इसके अंदर बहुत फास्ट ये अपनी मिरर इमेज में कन्वर्ट होता है, बहुत फास्ट ये अम्ब्रेला इन्वर्जन के थ्रू अपनी मिरर इमेज में कन्वर्ट होगा, इस तरीके से। देखो ये जो मैंने दिखाया था एन एम ई लोन पेयर ई टी और ये बहुत फास्ट अपनी मिरर इमेज में कन्वर्ट होगा, मतलब इसके लिए एनर्जी ना रूम टेम्परेचर पे आसानी से मिल जाती है, 24 किलो जूल पर मोल, ये एनर्जी रूम टेम्परेचर पे आसानी से मिल जाती है, और ये कन्वर्ट हो जाएगा, अम्ब्रेला इन्वर्जन होगा इसके अंदर, अम्ब्रेला इन्वर्जन। ये अम्ब्रेला इन्वर्जन मतलब ये चला गया एच, ये एच आ गया, ये आ गया ई टी, और ये आ गया एम ई, और लोन पे आ गया नीचे, मैं इसको थोड़ा और तरीके से दिखाता हूँ, ये ई टी और ये आ गया लोन पे नीचे, ये हुआ अम्ब्रेला इन्वर्जन। ये बहुत फास्ट होता रहता है, 24 किलो जूल की एनर्जी चाहिए, 24 किलो जूल पर मोल, ये आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा अपनी मिरर, ये मिरर इमेज ही है इसकी, ये इसकी मिरर इमेज है। अगर नहीं समझ आ रहा है तो इसको एक बार 180 डिग्री से रोटेट कर दो, 180 डिग्री से रोटेट करने पर कंपाउंड सेम रहता है ना, मैं 180 डिग्री से घुमा रहा हूँ उसको, अगर मैं 180 डिग्री से इस कंपाउंड को घुमाऊंगा तो क्या होगा,
एच जो है कहाँ जाएगा? सामने ऐसे आ गया एच, ये एच यहां था तो यहां आ जाएगा, ई टी यहां पे है 180 पे, यहां आ जाएगा, यहां दिखा दिया मैंने ई टी, और एम ई यहां पे है 180 पे, यहां पे आ जाएगा आगे। अब चेक करो क्या ये दोनों मिरर इमेज नहीं है, समझ आया कि नहीं? ये क्या ये दोनों मिरर इमेज है कि नहीं? यस एच है एच के सर, सामने एच, ई टी के सामने ई टी, और एम ई के सामने एम ई, एम ई के ऑपोजिट में एम ई, इसीलिए इसको बोलते हैं अम्ब्रेला इन्वर्जन। इसको अम्ब्रेला इन्वर्जन बोलते हैं या अमीन इन्वर्जन बोलते हैं, या फिर क्या बोलेंगे इसको, अम्ब्रेला इन्वर्जन, अमीन इन्वर्जन या पिरामिडल इन्वर्जन, फ्लक्सोनियल बिहेवियर भी कहते हैं इसी को। तो ये बहुत फास्ट कन्वर्ट होता है अपनी मिरर इमेज में, और होता है जब कन्वर्ट ना, जब यहाँ पे नाइट्रोजन sp3 था, यहाँ पे भी नाइट्रोजन sp3 है, ये कन्वर्ट होता है थ्रू ट्रांजिशन स्टेट विच इज sp2, थ्रू ट्रांजिशन स्टेट विच इज sp2। sp2 कैसे? तुम इस लोन पेयर को ना ध्यान देना, इस लोन पेयर को ऊपर से प्रेस करते रहो, जब इस लोन पेयर को धक्का देते रहो, इस लोन पेयर को इसको ऊपर से प्रेस करते रहोगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है किस्मों में। ये जब प्रेस नीचे आएगा, जब ये लोन पेयर नीचे आता रहेगा, नीचे आता रहेगा, तो ये इधर भागेगा, ये भी इधर भागेगा, और ये इधर भागेगा, होगा कि नहीं, क्योंकि लोन पेयर नीचे आ रहा है, तो इसलिए लोन पेयर कन्वर्ट हो जाता है पी ऑर्बिटल के अंदर। ऐसा करने से लोन पेयर गया पी ऑर्बिटल के अंदर, ये एम ई ऐसे हो गया, एच इधर आ गया, ई टी इधर आ गया, यहाँ पे लोन पेयर आ गया, और इधर लोन पेयर पी ऑर्बिटल में आ गया। लोन पेयर कहाँ गया? पी ऑर्बिटल में, और इधर नाइट्रोजन की ट्रांजिशन स्टेट में नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2, sp2। अब ये इधर भी जा सकता है और पीछे भी जा सकता है। इस रिएक्शन के लिए केसी क्या होता है? 1 के इक्वल, 1 के इक्वल। इसका मतलब ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड दोनों इक्वल अमाउंट में। केसी क्या होता है? प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट, केसी इक्वल टू प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट होता है। तो जब ये 1 है तो प्रोडक्ट इक्वल टू रिएक्टेंट है, इसका मतलब 50% ये है और 50% ये है, तो रेशियो मिक्सचर बन गया कि नहीं एक तरह से? आया समझ के नहीं? ये चीज समझ आ गई कि नहीं? निष्ठा आ गई। इसको बहुत ध्यान से, अगर नहीं समझ आएगा तो दोबारा सुनना इसको, इम्पोर्टेंट चीज है ये। वैसे कंसेप्ट पता होना चाहिए, एन की तीनों वैलेंसी डिफरेंट और साथ में एक लोन पेयर, तो अमीन इन्वर्जन होगा, यानी वो कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन है तो कायरल, नाइट्रोजन है तो कायरल, बट एज ए होल इट विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव है, नॉन रिजोल्वेबल है, नॉन सेपरेबल है, इसको हम आइसोलेट अलग नहीं कर सकते, इसको और इसको अलग नहीं कर सकते, दोनों एक साथ रहेंगे, मतलब ये दोनों अलग नहीं हो सकते हैं, समझ गए कि नहीं है? 1 सेकंड के अंदर 10 10 रेशो 20 टाइम ये कन्वर्जेंस होती रहती है, इतनी फास्ट होती है कन्वर्जेंस ये, तो हम इन दोनों को अलग नहीं कर सकते हैं, दे आर नॉन आइसोलेबल, नॉन रिजोल्वेबल, ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि मिक्सचर होता है ये, 50% एक है आर है एक तरह से, तो 50% ऐसा है, ये क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर। और ये इसका एनर्जी बैरियर है, ये एनर्जी बैरियर कह लो और एक्टिवेशन एनर्जी कह लो। ऑब्जेक्टिव्स करोगे तो उसमें डेल्टा जी प्लस प्लस भी लिखा होगा, डेल्टा जी प्लस प्लस ऐसे करके लिखा होता है, तीनों टर्म ध्यान रखना, ईए और डेल्टा जी प्लस प्लस और एनर्जी बैरियर, और एनर्जी बैरियर वर्सेस टाइम कह लो या प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। तो यहाँ पे हमारा ए है, अगर ये ए मान लो, ये बी मान लो, और ये टी एस ट्रांजिशन स्टेट, sp2 जिसमें नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जिसमें sp2 है, नाइट्रोजन जिसके अंदर sp2 है, ये ए ये बी, टाइम के साथ साथ ए अपने बी में कन्वर्ट हुआ, बी में कन्वर्ट हुआ थ्रू ट्रांजिशन स्टेट sp2, थ्रू ट्रांजिशन स्टेट sp2, इस तरीके से। ए और बी तो इक्वली स्टेबल है, ए है बी है, दोनों के sp3 हाइब्रिडाइज है, और ये sp2 ट्रांजिशन स्टेट क्या है? sp2, sp2 ट्रांजिशन स्टेट है, आप सही ना, sp2 क्या है? ट्रांजिशन स्टेट। क्या क्लियर हुई बात? यस सर। क्या क्लियर हो गया? ये sp2 ट्रांजिशन स्टेट है, ए
SP3 BSP3 दोनों इक्वली स्टेबल है, AC क्या है 1 के इक्वल, प्रोडक्ट B बाय A क्या होगा 1 होगा, टाइम के साथ साथ ऐसे कन्वर्ट होता है, ये ग्राफ भी पूछते हैं कई बार, सही ना, ये अमीन इन्वर्जन के अंदर ग्राफ ही आता है इसमें, और अमीन इन्वर्जन अगर ज्यादा होगा तो इसका मतलब क्या है, अमीन इन्वर्जन ज्यादा होगा तो बेसिसिटी कम होगी ज्यादा होगी, बेसिसिटी पे भी कुछ इफेक्ट डालेगा ये, बेसिसिटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, क्योंकि लोन पेयर इन्वॉल्व हो जाएगा ना SP2 हाइब्रिडाइजेशन में, SP2 हाइब्रिडाइजेशन में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी बढ़ जाती है तो बेसिसिटी कम हो जाती है, इससे बेसिसिटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, सही ना, तो ये ध्यान रखना चीज का, अमीन इन्वर्जन होगा तो अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर विल डिक्रीज, सो बेसिसिटी डिक्रीजेस, सो बेसिसिटी डिक्रीजेस। अब अगर मैं इस एन की जगह पी कर दूं, ध्यान देना, अगर मैंने इस एन की जगह पी कर दिया तो अमीन इन्वर्जन होगा कि नहीं, नाइट्रोजन था मैंने इसको फास्फोरस कर दिया, अब अमीन इन्वर्जन होगा कि नहीं, गर्व बोल। सर एक बार ये बताओगे मतलब अमीन इन्वर्जन का रीजन क्या था, मतलब क्यों हो रहा था? अमीन इन्वर्जन बताया ना, क्योंकि एन का लोन पेयर जो है, मैंने पूछा ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं, नहीं तो हुआ प्रैक्टिकली क्या ऑब्जर्व किया गया, एन का लोन पेयर जो है बहुत ही फास्ट कन्वर्ट होता है अपनी ट्रांजिशन स्टेट के अंदर, जिसके थ्रू इसकी मिरर, इसी की मिरर इमेज एग्जिस्ट करती जाएगी, मतलब तू देख ये रहा है तेरे को दिखेगा ये वाला, वो सर, फिर नहीं होगा क्योंकि मतलब SP3 ऑर्बिटल से फिर 3P में कन्वर्ट होना मुश्किल होगा। देखो उधर, अगर मैं बात कर रहा हूँ नाइट्रोजन की, या फिर एन एच था, एम ई था, ई टी था, कुछ भी कह लो, ये था ना ऐसे लोन पेयर, सही लोन पेयर यहाँ पे SP3 ऑर्बिटल में, लोन पेयर कहाँ पे है SP3 ऑर्बिटल, सही ना, तो एस की एनर्जी क्या होती है सबसे कम, फिर SP की एनर्जी ज्यादा, SP2 की एनर्जी ज्यादा, SP3 की एनर्जी ज्यादा, फिर पी की एनर्जी ज्यादा, यही है ना एनर्जी लेवल्स का, सही ना, एनर्जी लेवल का यही तो है, तो इसके अंदर ध्यान देना, इसके अंदर जो लोन पेयर है वो कहाँ है SP3 के अंदर, लोन पेयर SP3 में है ना इसके अंदर, अब वो SP3 से कहाँ जा रहे हैं, ट्रांजिशन स्टेट में, पी ऑर्बिटल में जा रहे हैं कि नहीं, ये बात समझ आए कि नहीं, लोन पेयर कहाँ गए यहाँ से N, ये लोन पेयर गए किसमें H, ये ET, ये ME, लोन पेयर कहाँ पे गए हैं SP3 से पी ऑर्बिटल में गए कि नहीं, यहाँ पे ये गर्व क्लियर है, यस सर, और अगर यहाँ पे एन की जगह पी हो जाए तो हाइब्रिडेशन क्या है इसकी, क्या हाइब्रिडेशन होगी इसमें, सर याद कोई नहीं भी नहीं किसी को, होगी, ड्रैग, कुछ भी नहीं बहुत अच्छे, होगी। बिल्कुल सही है, ड्रैगोज रूल याद आ गया ना, ड्रैगोज रूल के अकॉर्डिंग बताया हुआ ना केमिकल बॉन्डिंग में, इसमें कोई यस सर, हाइब्रिडेशन नहीं होगी, कोई हाइब्रिडेशन नहीं है, तो ये लोन पे कहाँ प्रेजेंट है एस ऑर्बिटल में, ये लोन पेयर एस ऑर्बिटल में है कि नहीं, फास्फोरस की यस सर, कंसंट्रेशन देखो ना, नियॉन 3s2 3p3, प्योर पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है बॉन्डिंग में, तो ये एस ऑर्बिटल लोन पेयर कहाँ पे है, इस एस ऑर्बिटल में, अब एस से पी में जाना इजी की टफ, मुश्किल बहुत मुश्किल है, और एनर्जी लगभग 130 किलो जूल, 132 किलो जूल होती है एग्जैक्ट, 130 किलो जूल के आसपास की एनर्जी लगती है, पहले 24 लग रही थी यहाँ से यहाँ पे, तो इससे क्या अमीन इन्वर्जन हो पाएगा थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स में, नहीं। नहीं हो पाएगा, ध्यान रखना, इसलिए थर्ड पीरियड के एलिमेंट, जैसे मैंने ये दे दिया एस डबल बॉन्ड हो ClBr, ये दे दिया, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा इनएक्टिव होगा, ये क्या होगा प्री रिएक्टिव इनएक्टिव, एक्टिव हाँ हुआ ये एक्टिव होगा, इसमें अमीन इन्वर्जन नहीं हो पाएगा ध्यान रखना, इसमें अमीन इन्वर्जन नहीं है, और ये एच एम ई ई टी, ये ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव, इनएक्टिव। ये इनएक्टिव क्योंकि इसमें अमीन इन्वर्जन हो रहा है, कार्य सेंटर है बट देन ऑल्सो इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, अगर PH3 कर दे तो ये एक्टिव होगा इनएक्टिव होगा, नाइट्रोजन वाला हाँ
सर फिर तो होना चाहिए। हाँ फिर एक्टिव हो जाएगा, क्यों? PS3 मतलब एचडी मीडियम, एचडी मीडियम मतलब H+, H+ को ये एन अपने लोन पर दे देगा, तो लोन पर खत्म हो जाएगा N+H, H, ME और ET, हो गए गर्व। सर मैं तो ऐसे देख रहा था, मतलब कुछ वो भी बच जाएंगे ना जो अपना एच प्लस को वो नहीं देंगे लोन पे, हाँ तो वो तो अलग चीज है, मैं इस कंपाउंड की बात कर रहा हूँ, नहीं ये तो नहीं ये हो पाएगा। कंपाउंड नहीं होगा अभी, ये कंपाउंड तो नहीं होगा क्योंकि दो एच है इसके पास, दो एच है ना इसके पास, तो ये भी एच, ये भी एच। यहाँ पे एच का अगर मैं डी दिखा दूँ अब होगा कि नहीं एक्टिव? हाँ सर फिर होगा। अब हो जाएगा। ध्यान रखना अगर मीडियम एसिडिक है, मीडियम एसिडिक है और काइरल नाइट्रोजन है विदाउट एच, काइरल नाइट्रोजन है विदाउट एच, तो वो अप्रिल एक्टिव हो जाएगा, तो वो अप्रिल एक्टिव हो जाएगा, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो है, अब जैसे अमीन इन्वर्जन, अमीन इन्वर्जन इसमें कैसे होगा बताओ? जैसे ये ले लिया साइक्लिक कंपाउंड NH, H, H 5 मेंबर की देंगे, ये ऑर्डर क्या होगा अमीन इन्वर्जन का इसमें? फोर थ्री सबसे ज्यादा इसमें होगा 4 में, फिर 3 में, फिर 2 में, फिर 1 में। रीजन दे। सर वो ट्रांजिशन स्टेट में नाइट्रोजन sp2 हो जाएगा, वो सबसे ज्यादा फेवरेबल फोर में। हाँ इसमें तो नाइट्रोजन के लोन पेयर कहाँ पे है? जिस जिस sp3 है ऑर्बिटल में नाइट्रोजन के लोन पेयर है उसका एस करेक्टर बढ़ जाएगा कि नहीं? एंगल बढ़ गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ एंगल 60 डिग्री का है सिर्फ, तो यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा कि नहीं? एंगल ज्यादा तो एस करेक्टर ज्यादा, एस करेक्टर ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो लोन पर क्या अमीन इन्वर्जन में पार्टिसिपेट कर पाएगा आसानी से? नहीं क्लियर हुआ? हो गया सर। तो इसलिए जब लोन पर इसका जिस sp3 ऑर्बिटल में है उसका एस करेक्टर, क्योंकि एंगल बढ़ गया, उसका एंगल बढ़ गया, तो एंगल बढ़ता कब है? जब एस करेक्टर बढ़ जाता है, यानी इस ऑर्बिटल का एस करेक्टर बहुत ज्यादा है, एस करेक्टर ज्यादा यानी न्यूक्लियस के पास है, न्यूक्लियस के पास है तो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, लोन पेयर आसानी से अमीन इन्वर्जन नहीं करेगा। और जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे, जैसे लिविंग बड़ी होती जाएगी, तो एस कैरेक्टर इस लोन पेयर वाले का कम होता जाएगा, इसका और कम हो जाएगा, इसका और कम हो जाएगा, तो इसमें भी अमीन इन्वर्जन डिफिकल्टी से होता है, लेकिन हो जाता है अमीन इन्वर्जन, इसमें डिफिकल्टी से होगा। तो ऑर्डर ऑफ अमीन इन्वर्जन ये, सही ना? ऑर्डर ऑफ अमीन इन्वर्जन ये होगा, कोई डाउट तो नहीं है? सर दोबारा देखो बताना। ये जो नाइट्रोजन वाला पार्ट, ये वाला है ना, यहाँ पे एंगल सिर्फ 60 डिग्री का है, नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन क्या है? sp3 है, नाइट्रोजन हाइब्रिडेशन क्या है? sp3। यहाँ एंगल अगर 60 है तो लोन पेयर जिस ऑर्बिटल में होगा या एच जिसमें होगा उसका एंगल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए ना, एंगल यहाँ सिर्फ 60 है। नहीं क्लियर हुआ? रिंग के अंदर ये समझ आया कि नहीं? निष्ठा सर Yes. हो गया। चलो, इसलिए इसलिए इसका जब एस करेक्टर बढ़ गया तो उसकी इलेक्ट्रोनिविटी बढ़ जाएगी, और इसलिए ये लोन पेयर आसानी से पार्टिसिपेट नहीं करेगा अमीन इन्वर्जन में, तो इसलिए अमीन इन्वर्जन इसमें कम होगा, तो रिंग के अंदर ऐसे रहता है, ये याद रखना रिंग के अंदर, सही ना? अब दूसरा इनके अंदर सेकंड केस, जैसे ये ले लिया इसमें, फिर नहीं होगा। इसमें बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि इसमें तो बॉन्ड्स ही लॉक्ड है। क्या sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ सकते हैं इसकी बाईसाइक्लो वाले नाइट्रोजन की? नो सर। इसके तो sp2 आ ही नहीं सकती, इसके अंदर फ्लिपिंग बिल्कुल नहीं होगी, फ्लिपिंग नहीं होगी, लोन पेयर ऊपर से नीचे बिल्कुल नहीं आ पाएगा इसमें, क्योंकि तो इसमें बॉन्ड्स क्या है? लॉक्ड है, और वैसे भी ब्रिज हेड वाला कार्बन या नाइट्रोजन कोई भी sp2 नहीं हो सकता, नहीं तो ब्रिज ब्रेक कर जाएगा। इसमें ये वाला बॉन्ड जो है इसको मैं इधर नहीं शिफ्ट कर सकता, इसको इधर नहीं कर सकता, और ऐसे इसको यहाँ पे स्ट्रेट में नहीं कर सकता, रीजन रिंग टूट जाएगी।
इसलिए इसके बाइसेल कंपाउंड में कोई अमीन हाइड्रोजन नहीं होता। अमीन हाइड्रोजन नहीं है तो बहुत अच्छे बेस होते हैं, इसलिए ये अच्छे बेस होंगे। ये ज्यादा बेसिक होते हैं, याद रखना। ये रिजिड स्ट्रक्चर है, बॉन्ड्स यहाँ पे लॉक्ड है। ये क्लियर हो गया कि नहीं? तीसरा केस, थर्ड। तो ये लिखते रहना ना इसमें, रेट ऑफ अमीन हाइड्रोजन में या फैक्टर्स में। पहले मैंने साइक्लिक कंपाउंड लिया, फिर बाईसाइक्लिक कंपाउंड लिया, फिर नेक्स्ट लिया जैसे ये, इसमें ले लिया एन एच, यहाँ लगा दो पी एच, यहाँ पे भी लिया ऐसे ही एन एच, यहाँ लगा दिया से एच नहीं लेते, यहाँ पे सी एल लगा देते हैं, यहाँ पी एच लगा। अब इसमें अमीन हाइड्रोजन किसमें ज्यादा होगा? सो फर्स्ट फर्स्ट में अमीन हाइड्रोजन ज्यादा होगा, सेकंड में नहीं हो पाएगा। सेकंड में नहीं हो पाएगा, विड्रॉइंग ग्रुप अगर आ जाता है, माइनस आई इफेक्ट है ना इसका, अगर विड्रॉइंग ग्रुप आ जाता है तो अमीन हाइड्रोजन नहीं होगा, क्योंकि लोन पेयर को अपनी तरफ खींच के रखेगा, लोन पेयर को अपनी तरफ खींच के रखेगा तो अमीन हाइड्रोजन नहीं होगा। सही है? वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गए ना, वो 2p/3d/π। नहीं कर, तू एक चीज भूल रहा है, NCl3 वाला केस याद है? इसमें कोई हाँ कुछ बैक बॉन्डिंग नहीं कुछ होती नहीं। हाँ ठीक है, है ना? इसमें पहला ऑक्टेट कंप्लीट है, दूसरा लोन पेयर रिपल्शन, तीसरा लोन पेयर रिपल्शन भी नहीं देखेंगे, तीसरा क्या था, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, लोन पेयर रिपल्शन भी हो रही है, तो ये अपने लोन पेयर क्यों देगा इसके वेकेंट ऑर्बिटल, समझ गया कि नहीं? तो यस। इसलिए वो चीज माइनस आई इफेक्ट बोलेंगे इसका, माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस आई, अब अमीन इन्वर्जन जो है, याद रखना, अमीन इन्वर्जन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। क्या क्लियर हो गया है? नहीं समझ आया? तो ये ध्यान रखना, अमीन इन्वर्जन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, इसको भूलना नहीं बिल्कुल। प्लस आई आएगा तो अमीन इन्वर्जन ज्यादा, और अमीन इन्वर्जन ज्यादा हो रहा है मतलब बेसिक रखकर क्या हो रहा है, कम हो रहा कम हो रहा है। है। ज्यादातर केसेस में ही होगा, मीन इन्वर्जन ज्यादा तो बेसिक रिएक्टर कम, सही ना? बेसिक रिएक्टर कम। अच्छा, अब जैसे दिया इसमें मीन इन्वर्जन का ऑर्डर क्या होगा, C2H5 होल थ्राइस एन, NH, और दिया ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन दे दिया, नाइट्रोजन दे दिया, एक इधर दे दो, बताओ क्या होगा अमीन इन्वर्जन का ऑर्डर? चलिए लास्ट सेकंड क्या बनाया है। सेकंड लास्ट में नाइट्रोजन है यहाँ पे, इधर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नहीं आ पाएगा, फूट जाओ, ऑक्सीजन आ ही नहीं पाएगा यहाँ पे ना, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के बॉन्ड ज्यादा हो जाएंगे। यही रहने दो, ये चार करो, इसको हटा दो, सर 1, 2 और 3 और 4 का बराबर। 3 और 4 को बराबर। हाँ सर 1, 2, 3, 4। 1 2 3 4, ये आंसर आएगा। एन का माइनस इफेक्ट भी लग गया ना इधर, तो लेकिन दूसरे जब एन का उसमें माइनस इफेक्ट लग होता गया ही ना। नहीं है, जब उसमें होता ही हाँ नहीं है होता ही तो नहीं फिर है तू कह मिलना सकता है, चाहिए होता कि नहीं है, लेकिन तू अगर ऑर्डर पूछा तो तू कह सकता है ना इसमें। तो फिर 1 का सबसे ज्यादा होगा ना। वन का ज्यादा क्यों होगा?
अमीन वर्जन मतलब सबसे ज्यादा उसमें दो फर्स्ट वाले में। ये स्पेशल केस है, अगर सीडियो फाइव होल थ्राइस है ना, इसमें बल्कि रूप ज्यादा आ गए। अगर बहुत बल्कि ग्रुप्स आ रहे हैं ना, तो अमीन इन्वर्जन होने में दिक्कत आएगी लोन पेयर को। यस अच्छा नेक्स्ट अब है, मैंने बल्किनेस बहुत ज्यादा है तो अमीन इन्वर्जन कम होगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो अमीन इन्वर्जन इंक्रीज। बढ़ जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो, जैसे कोई एग्जांपल ले लिया, ये ले लेते हैं एग्जांपल लिया, इसमें लगा लेते हैं एन, ये लिया ओ एच, इस टाइप से। अगर ये ऐसे ले लिया तो एन अपने लोन पेयर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व करेगा कि नहीं? अमीन इन्वर्जन कम होगा ज्यादा होगा अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो, कम एन के होगा लोन पर जाएंगे ना सर, कम हो जाएगा। तो ये केसेस हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। तो अमीन इन्वर्जन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो अमीन इन्वर्जन कम हो जाएगा, ध्यान रखना इसके अंदर। अब जैसे ये पूछा, ये ऑप्शन एक्टिव है इनएक्टिव, ये बताना जरा। ये ले लिया, ये पूछा ऑप्टिकल एक्टिव है इनएक्टिव, ये ऑप्टिकल एक्टिव है इनएक्टिव है। बोलो एक्टिव रीजन। है सर, अमीन इन्वर्जन नहीं हो पाएगी क्योंकि बड़े ग्रुप्स हैं और कायरल भी। नहीं, कायरल, हाँ कायरल, ये आ गया ना यहाँ पे, इथाइल के पास देखा, इथाइल के पास ग्रुप ये आ गया ना, कायरल सेंटर। यस सर, और ऊपर जो है इसमें अमीन इन्वर्जन भी नहीं हो पाएगी। अगर ये ईटी नहीं लगा होता तो, अगर ईटी नहीं लगा होता तब तो क्या भी होता इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री आ सकती है? सर। क्या इसके पास अगर डबल बॉन्ड नहीं कोई होता तो आ सकती थी। डबल बॉन्ड होने से क्या होगा अगर ऊपर से कट करें इसको? फिर एक साइड लोग सब लोग पे नहीं, नहीं सर नहीं आएगी। नहीं आएगी, सही है। तो ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा, सही ना? तो ऑप्टिकल एक्टिव होगा, अमीन इन्वर्जन नहीं होगा इसके अंदर, सही है। यस सर, गर्व तू बता एक बार, समझ आया? गर्व मंगला, यस सर। एक्टिव होगा इनएक्टिव सर होगा? एक बार लास्ट वाला क्वेश्चन रिपीट। लास्ट वाला क्वेश्चन यही है ना, एन एम ई और लोन पेयर है ऊपर, ये एक्टिव है कि इनएक्टिव है? सर मेरे ख्याल से इनएक्टिव होगा। गर्व, गर्व तू बता। ये बाकी हिमांग है क्लास में? हिमांग फिर से रिपीट कर यही दोगे क्या बताने? कंपाउंड, ये वाला कंपाउंड जो देखा लास्ट में, ये एक्टिव है इनएक्टिव? सर एक्टिव होगा तो मेरे ख्याल से इनएक्टिव इनएक्टिव होगा। देखा, ये इनएक्टिव आएगा, इनएक्टिव। इसका तो प्लेन ऑफ इसमें सिमेट्री आएगी सिमेट्री आ रही है। गर्व, हाँ ये कटे, जब कटेगा तो ये नाइट्रोजन, ये सोचते हैं ना बिल्कुल ऊपर आई, जब सर ये ये कटेगा तो एमई आधे और ये आधे लोन कटेंगे पेयर सारे, भी, एमई और लोन पेयर भी कैंसिल होंगे। ठीक बिल्कुल आधे आधे कटेंगे दोनों, है सर, ये दोनों आधे आधे कटेंगे, और ऑप्टिकली इनएक्टिव आएगा कंपाउंड ये। अगर हम ईटी लगा देते हैं इसमें तो ये एक्टिव आ जाए, तब ये एक्टिव आ जाएगा। चलो अभी एक बार इसको, इसी टॉपिक को रिवाइज कर लेना,
कल थर्मोडायनेमिक स्टार्ट होगा, तो उसको ढंग से अटेंड करना है। और अब जो क्वेश्चन होंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, अमीन ने मैंने बता दिया ताकि तुम तो पढ़ लो उसको। अब जो क्वेश्चन होंगे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, सही ना, इसको रिवाइज कर लेना एक बार।